Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dear student. Assalamu alaikum. Today, our topic is mutual induction. If you remember in previous lecture, we discussed self-induction. And now today we discuss mutual induction. So first of all, we define mutual induction. What is mean by mutual induction? So the phenomena in which an EMF is induced in a coil due to a changing of current in the neighboring coil is called mutual induction. मतलब वो phenomena जिसमें हम एक coil के अंदर current को change करते हैं और उसकी वजह से उसके करीब neighboring means साथ में एक दूसरा coil पड़ा होता है उसके अंदर हमारे साथ induced EMF या induced current आ जाए तो इस phenomena को हम mutual induction कहते हैं. ठीक है, मतलब इसमें दो कॉइल इन्वॉल्व होंगे इसलिए इसको म्यूचुअल कहते हैं. और प्रीवियस टॉपिक में एक कॉइल था तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते थे. एंड द ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ. और जो ईएमएफ इधर पैदा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारे साथ डेफिनेशन था. अब इसको डिस्कस करने के लिए या इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के लिए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो एक्सप्लेनेशन में देखें, इन ऑर्डर टू डिस्कस द म्यूचुअल इंडक्शन लेट अस कंसीडर टू कॉइल ए एंड बी. ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है डायग्राम में, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है. एक हमारे साथ कॉइल ए हो गया और दूसरा हमारे साथ कॉइल बी हो गया. अब देखे, सपोज ये मेरे साथ कॉइल ए है और ये मेरे साथ कॉइल बी है विच आर प्लेस नियर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर. इसको हमने एक दूसरे के करीब रख दिया है. इन दो कॉइलों में अगर आप देखें, कॉइल ए को मैंने बैटरी के साथ और बैटरी के साथ एक रियोस्टेट भी लगाया है. इसमें रियोस्टेट इसलिए लगाया है क्योंकि रियोस्टेट की मदद से हम करंट को कम ज्यादा करते हैं. तो अगर मैं करंट कम ज्यादा करूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पैदा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज्यादा होगा. तो इसके करीब जो कॉइल पड़ा है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो भी लगातार फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा होगा कि नहीं. तो इस वजह से हमारे साथ इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है, जो लिंक कर रहे हैं ये फ्लक्स, ये हमारे साथ कंटिन्यूसली चेंज करेंगी. और जब इधर से फ्लक्स चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडे इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कि नहीं. तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, हम कॉइल ए में करंट को चेंज करते हैं किसकी मदद से चेंज करते हैं, रियोस्टेट की मदद से. इधर हम करंट को चेंज करते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और यही मैग्नेटिक फील्ड साथ वाले कॉइल से पास हो रहा है लेकिन चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है तो एक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आ जाता है. और जो हमें किधर नजर आता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हमें नजर आएगी. ठीक है, तो देखिए यही बात आगे इधर हमने लिखी है कि व्हेन द करंट इज चेंजिंग इन कॉइल ए, जब इस कॉइल ए में हम करंट को चेंज कर देंगे देन द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल बी इज चेंज. तो इस कॉइल बी से जो फ्लक्स लिंक कर रहे हैं वो भी हमारे साथ चेंज हो जाएंगे. जब इधर से फ्लक्स चेंज हो जाएंगे ड्यू टू विच एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन कॉइल बी, तो हमारे साथ इस कॉइल बी में एक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट आ जाएगा. देन अब दूसरी तरफ जाते तो देखिए, जब बी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, दिस इंड्यूस ईएमएफ या म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल ए. कॉइल ए में जो करंट हम चेंज करते हैं उसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर कॉइल ए में करंट चेंज करेगा तो बी में इंड्यूस ईएमएफ आएगा और अगर करंट चेंज नहीं करेगा तो फिर हमारे साथ इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा बी में. सो मैथमेटिकली वी कैन राइट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई और डेल टी. इफ वी चेंज दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इनटू इक्वलिटी साइन देन वी प्लेस some constant and here the constant is m. So our emf is equal to m del I over del t.
इस ये आ गया फाइनल जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे साथ ईएमएफ आ रहा है उसका फार्मूला। इसमें ये एम क्या शो कर रहा है, ये हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दिखाता है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर एम इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नाउन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट कैन बी डिफाइंड एज। और इसको फिर हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इधर मैंने दो डेफिनेशन की है, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है और एक हमारे साथ मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सो द फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकल विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू नाइबोरिंग कॉइल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। मतलब ये दो नाइबोरिंग कॉइल जो है जो करीब पड़े हैं उनकी एक कंबाइन प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कि जब एक कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाए, कब पैदा हो जाए, जब दूसरे कॉइल में हम करंट को चेंज करें। और या दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है, वो सिंपली इधर से अगर आप देखें, इस एम को हम अकेला छोड़ देंगे और ये डेल आई ओवर डेल टी ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो इसके नीचे रेशो में आ जाएगा। तो इसलिए दूसरे डेफिनेशन जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था, सेम उसी तरह से यह डेफिनेशन भी आ रहा है। द रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। मतलब जब ये इधर आ जाएगा तो ईएमएफ एक कॉइल में आया है, जबकि जो करंट चेंज कर रहे हैं हम वो दूसरे कॉइल में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल इन्वॉल्व है। तो इसलिए द रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैथमेटिकली इसी डेफिनेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि एम इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल आई ओवर डेल टी, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, इधर से अब साफ जाहिर है कि इसका जो यूनिट क्या आएगा, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में भी सेम यही फार्मूला आया था, लेकिन वो एल के लिए आया था, वो था सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस और आज है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब दोनों का फार्मूला सेम आ गया तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो हेनरी, असल में ये होता है वोल्ट पर वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होता है, जिसको फिर हम क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला था और उसके साथ उसके एसआई यूनिट। अब जरा एक और फार्मूला निकालते जिससे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो है फैक्टर मिल जाए। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ में हमने पढ़ा है कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल फाई ओवर डेल टी। ठीक है, अब एन डेल फाई ओवर डेल टी ये ईएमएफ के बराबर ये भी है, और इक्वेशन वन में देख ले ईएमएफ इज इक्वल टू एम डेल आई ओवर डेल टी, दोनों इक्वेशनों का लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा है कि नहीं, तो फिर राइट हैंड साइड भी एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे। सो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री वी गेट, इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को जब हम कंपेयर कर लेंगे, सो एम डेल आई और डेल टी इज इक्वल टू एन डेल फाई और डेल टी, ये डेल इस डेल के साथ कैंसिल हो गया डेल टी के साथ, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया, एम आई इज इक्वल टू एन फाई, क्योंकि हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला, तो इसलिए m को अकेला छोड़ देंगे, ये i इस तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो फाइनली m इज इक्वल टू n phi और i। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला आया और प्रीवियस लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला आया था, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो भी नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल उस पर डिपेंड करता है, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है, और करंट को क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर करंट बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होता जाएगा, और अगर करंट कम करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होता जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसके एप्लीकेशन करेंगे, जो ट्रांसफार्मर है उधर ये आपको और भी प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सबको समझ आई होगी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट। थैंक यू।